तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का कमेंट आया था कि सर ये जो हम चाक पट्टी चीरते हैं ये कितना चीरते हैं और किस साइड जो है चीरा जाता है। तो ये देखिए ये डाउन पल्ला है, ये जो है फ्रंट में आता है। तो इसको सबसे पहले तो है इसको इस तरीके से बराबर करेंगे। ये देखिए ये इतना डाउन है, ये इतना डाउन है, ठीक है। तो ये इसी में करती है, तो इसको जो है इस तरीके से रख लेंगे। चाक जो है काटने का बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, कितना काटे और किस तरीके से काटे। और ये जो है इसको इस तरीके से जो है फोल्ड करेंगे 50-50, ये जो है तिहाई फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसमें जितना सिलाई का मार्जिन है इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इतना जो है बाहर निकल गया। अब इस पर इस तरीके से नाखून लगा देंगे, ये नाखून लग गया। अब जो है इस तरीके से हल्का चकमिटी का निशान लगा देंगे। तो इसे 5.25 या 5 आप काट सकते हैं। तो ये बाजू का जो है लेंथ हल्का ज़्यादा है, तो ये देखिए सियाना में 5.25 काटे और बच्चा में जो है आप 1 इंची कम करके जो है 4.5 या 4.25 काट सकते हैं। ये देखिए ये मार्का लग गया। अब इसको जो है इस तरीके से ओपन कर लीजिए, ये देखिए, और यहाँ से जो है इसको कट कर देंगे। ये इतना कट हो गया। इतना कट होने के बाद जो है इधर जिधर कम पोजीशन में है इधर जो है हल्का कट कर देंगे तिरछा 2 सूत तक, ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। अगर आप चाक पट्टी ये फैशन पट्टी के जैसा बनाते हैं, जैसे कि कुर्ता में बनता है, रेडीमेड शॉर्ट में कभी कभी आता है, तो ऐसा भी बना सकते हैं। बट इसमें हम फोल्ड कर देते हैं, इधर से चाक पट्टी बना देते हैं। तो इस तरीके से आप बनाते हैं तो इस तरीके से कटिंग करें। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।